काम पे जा रहे थे और उनको हम काफी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके देखते हुए जैसे भी इन एक्सीडेंट में इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से अपना अभियान परिवहन विभाग के माध्यम से पुलिस विभाग के माध्यम से तेज कर रही है ताकि लोग जो हैं दुर्घटना में चोटिल न हों हताहत न हों। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं पब्लिक के इनको प्रशिक्षण देने के बाद भी इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि मृत्यु दर बढ़ रही है। हालांकि हमीरपुर का यह सौभाग्य कि यहाँ पर 26% हम कमी लाए हैं, जो उसके काजेज थे उनको हमने रिमूव किया, जो डेंजर पॉइंट हमारे थे उनको हमने रिमूव किया और रिमूव करने के बाद में इसमें कमी आई है। लेकिन प्रदेश में देखा गया है कि इसकी बढ़ोतरी हो रही है। 2018 का जो आंकड़ा है 22,256 का है वो बड़ा भयावह है और स्टेट में पूरे भारत में करीब करीब 1,47,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है, पहले हमारे यहाँ रोड सेफ्टी वीक 1 सप्ताह चलता था लेकिन भारत राज्य सरकार ने इसको मृत्यु दर को देखते हुए इसको 4 सप्ताहों में कर दिया है कि प्रति क्वार्टर 1 सप्ताह मनाएंगे ताकि अवेयरनेस इसमें बढ़े और एक्सीडेंट कम हो। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये तृतीय सप्ताह जो सुरक्षा सप्ताह है उसका फर्स्ट डे जिलाधिकारी महोदय उद्घाटन कर गए हैं और ये सत्र करीब 3 बजे तक भी चलेगा। बच्चों को इसमें बहुत उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो बारीकियाँ हैं उनको बताया जाएगा, नियम है उनको बताए जाएंगे ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें और चोटिल कम हो, दुर्घटनाएं कम हो और मृत्यु दर को रोका जा सके। सरकार का अथक प्रयास है, इसमें पुलिस विभाग भी लगा हुआ है और परिवहन विभाग भी लगा हुआ है, तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं, इसको कैसे भी रोका जा सके। थैंक यू।